और बड़ी खबर आ रही है, जाने माने उद्योगपति रतन टाटा का निधन हो गया है। लंबे समय से बीमार चल रहे थे रतन टाटा। मुंबई में रतन टाटा ने अपनी आखिरी सांस ली है। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में उनका निधन हुआ है और आज ही शाम को उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। देर रात करीब 2 बजे उनका पार्थिव शरीर अस्पताल से उनके कोलाबा स्थित घर पर ले जाया गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि टाटा का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। देश विदेश से सभी लोगों ने उनके निधन पर शोक जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समेत विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी शोक जताया है और रतन टाटा के निधन को देश के लिए अपूर्णीय क्षति बताया है। रतन टाटा जो कि टाटा ग्रुप के चेयरमैन एमेरिटस थे, इसके अलावा वो फिलैंथ्रोपिस्ट यानी कि दानकर्ता के तौर पर भी काफी मशहूर थे। भारतीय उद्योग जगत के सबसे प्रमुख शख्सियतों में से एक रतन टाटा का निधन हो गया। 86 वर्ष की आयु में रतन टाटा ने अंतिम सांस ली। रतन टाटा का जाना केवल टाटा समूह की अपूरणीय क्षति नहीं हुई है, बल्कि भारतीय उद्योग और समाज सेवा के क्षेत्र में भी एक युग का अंत हो गया है। रतन टाटा की सादगी और विनम्रता। रतन टाटा न केवल अपने व्यापारिक कौशल के लिए जाने जाते थे, बल्कि उनकी सादगी और विनम्रता के लिए भी पूरे विश्व में तारीफ की जाती थी। उन्होंने हमेशा अपने निजी जीवन को साधारण बनाए रखा और व्यवसायिक सफलता को समाज सेवा से जोड़ने में विश्वास रखा। रतन टाटा को एक ऐसे उद्योगपति के रूप में देखा जाता था जिसने हमेशा अपने कर्मचारियों, ग्राहकों और समाज के हर वर्ग के हितों को सबसे ऊपर रखा। सामाजिक और राष्ट्रीय योगदान। रतन टाटा का योगदान सिर्फ उद्योग और व्यापार तक ही सीमित नहीं था, वे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर भी सक्रिय थे। उन्होंने कई महत्वपूर्ण सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों के लिए सलाहकार की भूमिका निभाई। 2008 के मुंबई हमलों के समय भी उन्होंने संकट की घड़ी में मजबूती दिखाई और टाटा समूह ने ताज होटल के पुनर्निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसे हमले के दौरान नुकसान पहुंचा था। जहां रतन टाटा का जीवन कारोबार और परोपकार के संतुलन की बेहतरीन मिसाल बनकर उभरा, वहीं कारोबार को राष्ट्रहित में मोड़कर अनंत में विलीन हो गया। और इस बड़ी खबर पर हमारे साथ मुंबई से हमारे सहयोगी अंकुर त्यागी जुड़ गए हैं। अंकुर, ये खबर बेहद दुखद, इसके साथ साथ हम देख रहे हैं मुंबई ही नहीं बल्कि जहां जहां तक रतन टाटा को लोग जानते थे वो शोक श्रद्धांजलि अर्पित करते नजर आ रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि आज जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया है वो कैसे पूरी की जाएगी। देखिए, मैं अभी इस वक्त कुलाबा में उस इलाके में खड़ा हुआ हूँ जहाँ उनका बंगला है। मेरे पीछे आपके बाद ये बंगला देख रही हैं, हलिकार नाम का ये बंगला है। और हलिकाएँ नाम का ये बंगला आपको याद होगा, जब टाटा ग्रुप से जब पहली बार उन्होंने अपना चेयरमैनशिप छोड़ा था तो एक रिटायरमेंट की ज़िंदगी कहाँ बसर करेंगे, तो उनका ख्वाब था कि मैं अरब सागर के किनारे पर रहकर अपना बाकी का जीवन काटना चाहता हूँ, यही एक सोच था, एक थॉट था। तो ये जो आप सामने काले रंग का दरवाज़ा दिख रही है, ये गली सीधे अंदर जाती है जहाँ पर वो बंगला मौजूद है जहाँ पे रतन टाटा रहा करते थे अरब सागर के मुहाने पर। तो फिलहाल रात को ही जो उनका पार्थिव देह है उसको ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल से यहाँ पर लाया गया था। ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में मुख्यमंत्री, सूबे के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और तमाम उद्योग पर जगत से लोग, कई सारे जो लोग थे वहाँ, उनको उनकी पार्थिव देह का अंतिम दर्शन वहाँ पर करने वहाँ पहुँचे थे। आज जो है, अभी जब हम बात कर रहे हैं, अब सुबह के 8 बज रहे हैं, तकरीबन 10-10:30 बजे का वक्त होगा जब यहाँ से उस पार्थिव देह को लेके NCPA लेके जाया जाएगा। मरीन ड्राइव पर जो नरीमन पॉइंट आता है वहाँ पर NCPA नाम का एक पूरा एक बड़ा बहुत बड़ा थिएटर टाइप का एक हॉल है, वहीं पर उनकी पार्थिव देह को रखा जाएगा ताकि लोग जो भी हैं, आम खास जो भी किसी न किसी तरीके से अपने आप को जोड़कर देखते हैं रतन टाटा से, वो उनके अंतिम दर्शन यहाँ पर कर सकें। दोपहर में 3:30 बजे NCPA से पार्थिव देह को रोड के जरिए वर्ली ले जाया जाएगा। वर्ली में जो पारसी क्रिमेटोरियम है वहाँ पर उनकी देह का जो अंतिम संस्कार पूरे विधि विधान के साथ किया जाएगा, जो पारसी विधि विधान हुआ करता था। शुरुआत में पारसी विधि विधान में जो क्रिमेशन का जो तरीका था वो एक वेल होता है उनके क्रिमेटोरियम सेंटर में, वहाँ पर बॉडी रख दी जाती थी ताकि जो समाज से लिया है, जो संसार से लिया है, उसको संसार को ही समर्पित कर देने का जो भाव उसके अंदर निहित था वो शामिल हुआ करता था। लेकिन हाल के दिनों में पर्यावरण को लेकर ये समाज बहुत ज़्यादा जागृत हुआ है और यही वजह है कि जो इस बार
जो इलेक्ट्रिक क्रिमेटोरियम है उसका इस्तेमाल किया जाएगा पार्थिव जो देह के अंतिम संस्कार के लिए। जी अंकुर, निश्चित तौर पर रतन टाटा को लेकर पूरे देश में शोक की लहर है, जिस तरह से उनका निधन हुआ है और 86 साल के उम्र में उनका निधन हुआ है, और कारोबारी ही नहीं बल्कि परोपकार के तौर पर भी उन्हें याद किया जाएगा। बहुत शुक्रिया अंकुर, इस बड़ी खबर पर आप नजर बनाए रखें। बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर और बात करते हैं, आप भारत ही नहीं दुनिया भर के उद्योग जगत में रतन टाटा का नाम बड़े ही आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है। लेकिन वर्ष 1999 में एक कार निर्माता कंपनी के चेयरमैन ने उनका अपमान किया और 9 साल बाद रतन टाटा ने उस कंपनी के चेयरमैन को कैसे आईना दिखाया, एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। जब रतन टाटा ने फोर्ड को दिखाया आईना, बात वर्ष 1998 की है जब टाटा मोटर्स ने देश की पहली स्वदेशी कार टाटा इंडिका लॉन्च की थी। लेकिन रतन टाटा का यह ड्रीम प्रोजेक्ट सफल नहीं हुआ और कंपनी घाटे में चली गई, जिसके बाद टाटा ने अपने घाटे में चल रहे कार के कारोबार को बेचने का फैसला किया और वर्ष 1999 में अमेरिकी कंपनी फोर्ड के चेयरमैन बिल फोर्ड के साथ बैठक की। इस बैठक में बिल फोर्ड ने रतन टाटा का मजाक उड़ाया और कहा कि आपको कार बनाने का कोई ज्ञान और अनुभव नहीं है, आप इस बारे में बिल्कुल ही नहीं जानते, आपको कार का कारोबार शुरू ही नहीं करना चाहिए था, यह डील करके हम टाटा पर एहसान ही करेंगे। बिल फोर्ड की ये बातें रतन टाटा के दिल पर लग गई। टाटा और फोर्ड के बीच कोई डील नहीं हुई और उन्होंने फैसला किया कि वो कार प्रोडक्शन यूनिट नहीं बेचेंगे। समय का पहिया घूमा और फिर जो हुआ वह बिजनेस इंडस्ट्री में हमेशा याद रखा जाने वाला था। साल 2008 में वैश्विक मंदी का दौर आया और अमेरिकी कंपनी फोर्ड दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गई। इसके बाद रतन टाटा ने फोर्ड के दो पॉपुलर ब्रांड जगुआर और लैंड रोवर खरीदने में दिलचस्पी दिखाई। यह टाटा के लिए 9 साल पुराने अपमान का बदला लेने का समय था, लेकिन रतन टाटा ने बदला लेने के बजाय फोर्ड पर एहसान किया और जून 2008 में फोर्ड के दो पॉपुलर ब्रांड जगुआर और लैंड रोवर $2.3 बिलियन में खरीद लिया। बताया जाता है कि फोर्ड के चेयरमैन बिल फोर्ड ने तब टाटा का एहसान मानते हुए कहा था कि इन ब्रांड्स को खरीदकर आप हम पर बड़ा उपकार कर रहे हैं। बिल ने टाटा को धन्यवाद दिया। कुछ ही समय में टाटा ने JLR के बिजनेस को प्रॉफिट में बदल दिया। और मशहूर उद्योगपति रतन टाटा के निधन की खबर आते ही उद्योग जगत समेत पूरे देश में शोक की लहर आई। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति समेत कई राजनेताओं और देश के मशहूर हस्तियों ने रतन टाटा को श्रद्धांजलि दी है। भारत के प्रमुख उद्योगपति और टाटा समूह के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा के निधन की खबर ने पूरे देश को शोक में डाल दिया है। देश और दुनिया भर के बड़े नेताओं, व्यापारियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने उनके योगदान को याद करते हुए अपनी श्रद्धांजलि दी है। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रतन टाटा के दुखद निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने कहा, भारत ने एक ऐसे महान व्यक्तित्व को खो दिया है जिसने कॉरपोरेट विकास को राष्ट्र निर्माण से जोड़ा और उत्कृष्टता को नैतिकता के साथ मिलाया। पद्म विभूषण और पद्म भूषण से सम्मानित श्री टाटा ने टाटा की महान विरासत को आगे बढ़ाते हुए इसे वैश्विक स्तर पर और प्रभावशाली बनाया। वे अनुभवी पेशेवरों और युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत रहे। उनके परोपकार और समाज सेवा के कार्य अमूल्य हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शोक जताते हुए कहा, वह एक दूरदर्शी व्यवसायी नेता, दयालु व्यक्ति और असाधारण मानव थे। उन्होंने भारत के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित व्यापारिक घराने को स्थिर नेतृत्व प्रदान किया। लेकिन उनका योगदान केवल कॉरपोरेट सीमाओं तक सीमित नहीं रहा। अपनी विनम्रता, करुणा और समाज को बेहतर बनाने की अटूट प्रतिबद्धता की वजह से वह लाखों लोगों के प्रिय बन गए। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने श्रद्धांजलि देते हुए कहा, रतन टाटा एक दूरदर्शी व्यक्ति थे। उन्होंने व्यवसाय और परोपकार दोनों क्षेत्रों में अमिट छाप छोड़ी है। उनके परिवार और टाटा समुदाय के प्रति मेरी संवेदनाएं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, देश के महान सुपुत्र रतन टाटा जी के निधन का समाचार सुनकर स्तब्ध हूं। रतन टाटा जी से 3 दशकों से अधिक का अत्यंत घनिष्ठ पारिवारिक संबंध रहा है। इतने बड़े व्यक्ति की सादगी, उनकी सहजता, अपने से छोटे का भी सम्मान करना, ये सारे गुण मैंने काफी नजदीक से देखे और अनुभव किए हैं। मुझे अपने जीवन में उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। गृह मंत्री अमित शाह ने शोक जताते हुए कहा,
प्रसिद्ध उद्योगपति और सच्चे राष्ट्रवादी श्री रतन टाटा जी के निधन से गहरा दुख हुआ है। उन्होंने निस्वार्थ भाव से अपने जीवन को राष्ट्र की उन्नति के लिए समर्पित किया। जब भी मैंने उनसे मुलाकात की, उनके भारत और उसके लोगों की बेहतरी के प्रति उनके जोश और प्रतिबद्धता ने मुझे चकित किया। उनके समर्पण के कारण लाखों सपनों ने पंख पाए। Z News.